भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के लिए देश के 5 संसदीय क्षेत्रों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को चुने जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी से संवाद किया। हमीरपुर के सर्किट हाउस में सीधे संवाद को डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के तहत यूट्यूब लाइव के माध्यम से भाजपा केंद्रीय कार्यालय बीजेपी कनेक्ट कैंपेन का आगाज किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली से सीधा लाइव कार्यक्रम के दौरान संसदीय क्षेत्र के लोगों के फोन के माध्यम से प्रश्नों के जवाब दिए। सर्किट हाउस में लाइव कार्यक्रम के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर, हमीरपुर विधानसभा हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर, बोरंज विधायक कमलेश कुमारी के अलावा काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। वहीं पीएम मोदी ने अपने पहले ही संवाद में हिमाचल से बीजेपी उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा के फोन को सुनकर उनके साथ बिताए गए पलों को ताजा किया। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हो? हम तो प्रवीण जी को जब भी याद करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी मूछे याद आती हैं। वही वही प्रवीण बोल रहे हैं ना? जी हाँ, वही बोल रहा हूँ जी। पार्टी को सशक्त बनाने और पार्टी के विस्तार के लिए आप हम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं जानता हूँ आप एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और जब मैं हिमाचल में काम करता था तब मुझे भी आपके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, और हमेशा मैं आपको हंसते हुए देखता था। और मुझे हमेशा मैंने देखा कि प्रवीण जी के चेहरे पर मैंने कभी तनाव नहीं देखा। तो एक ऐसे समर्पित संकल्पित कार्यकर्ता तो आज चलिए लंबे अरसे के बाद मुझे बात करने का अवसर मिला। आपकी बात सही है, हालात बदले, समाज जीवन में बहुत हालात बदले हैं, लोगों की आशा अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में हम 30-40 साल पहले काम करते थे तब हम लोग ज्यादातर पार्टी के विस्तार का प्रयास करते थे। बीजेपी कार्यकर्ता अजय शर्मा ने कहा कि यह पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता बहुत ही गदगद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से फोन पर बात की और गुजारे हुए वक्त को भी याद किया। आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने 38 वर्ष पूरे किए हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। और सबसे बड़ा गौरवशाली पल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस वक्त अनुभव किया जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े और उनके साथ बातचीत की। हिमाचल प्रदेश से भी माननीय प्रवीण शर्मा जी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की और हिमाचल प्रदेश में अपने गुजारे हुए वक्त को याद भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं युवा कार्यकर्ता तेन सिंह ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने सीधे संवाद की शुरुआत की है उससे युवाओं में भी उत्साह बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सीधे पीएम से समस्याओं को रखने के लिए इससे एक मौका मिलेगा। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है इससे हम युवाओं में काफी प्रसन्नता है, और देखने की बात यह भी है कि पूरे देश में जिस तरह 5 जो संसदीय क्षेत्र है उनमें हमीरपुर का नाम भी है, इससे भी हमें काफ़ी खुशी है कि जिस तरह हम अपने हमीरपुर में आ रही समस्याओं को जो है प्रधानमंत्री जी तक जो है सीधा रख सकते हैं और उनका जो है समाधान जल्द से जल्द हो सकता है। और इससे युवाओं में काफ़ी मतलब खुशी का भी माहौल है कि किस तरह की जो नई चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश में जो है शुरू की है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 543 सांसदों में से 5 सांसदों को चुना गया है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पीएम बनने के बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करना गौरवमय बात है। 543 सांसदों में से 5 सांसदों को चुना गया जिनके संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए है, क्योंकि कार्यकर्ता से देश का प्रधानमंत्री बनना
और स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री बनकर कार्यकर्ता से संवाद करना ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। यही कारण है एक के बाद दूसरा राज्य भारतीय जनता पार्टी जीतती चली जा रही है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ठीक कहा मोदी जी ने, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले भी पसीना बहाता रहा है, आगे भी पसीना बहाएगा कि देश के उन 5 सांसदों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नाम आया। उसका एक बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग और यहाँ के जो विकास के कार्य हुए हैं, जो संसद में भी भूमिका रही उसके कारण भी, और पहला प्रश्न भी पूछने का मौका मिला तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रवीण शर्मा जी को मिला। और देखिए प्रधानमंत्री जी को कितना याद रहता है, जिस व्यक्ति के साथ 30 साल पहले काम किया हो उनकी मूंछों के बारे में, उनके खुशी वाले चेहरे का, एक हंसमुख चेहरे का विवरण देना, ये बहुत बड़ी बात है। 130 करोड़ के देश में छोटे से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता से बात करते करते उसके बारे में बात करना बहुत बड़ी बात है।